हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज विकास मल्टीकॉप एक शेयर है, 3 रुपये का शेयर है और 20 रुपये तक होके आया, मतलब 20 गुना उसने पहले रिटर्न दिया। फिर उसके बाद नीचे जाता जा रहा है और प्रमोटर्स भी कंटिन्यूसली उसके बेचते जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे, कुछ उस कंपनी का अगर बात की जाए फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, एज वेल एज़ कुछ इसके फाइनेंशियल एनालिसिस भी करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, आप वीडियो की तरफ आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। किसके साथ? आपका ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ, जो कि फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर रहा है, 0 डिलीवरी चार्जेस है। एज वेल एज अगर आप अभी डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको 30 डेज़ के लिए कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। मैं ट्रेडिंग के पक्ष में नहीं हूँ, बट स्टिल जो न्यूज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, उसका नाम है विकास मल्टीकॉप लिमिटेड। तो विकास मल्टीकॉप लिमिटेड 2019 में के लगभग आया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये लगभग 90 पैसे तक गया था। उसके बाद यहाँ पर जो ये रैली थी, इस रैली में इतना भागा इतना भागा। तो अगर बात की जाए तो 20 रुपये, 21 रुपये तक ये 52 वीक हाई, इसका 21 से भी ज़्यादा का है, 21 रुपये तक ये भागा था। उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ गिरावट हो रही है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और कुछ रैली इस तरीके की थी कि घड़े गधे और घोड़े दोनों दौड़ रहे थे, तो कोई नहीं पता कर सकता था कि कौन सा गधा है कौन सा घोड़ा है। बट अभी आप पता कर सकते हो, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस शेयर से रिलेटेड देने वाला हूँ और आपको बताऊँगा कि एग्जैक्टली अब करना भी क्या है। तो पहली बात तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आज के डेट में लगभग 46% की डिलीवरीज उठाई गई है। 4,957 यहाँ पर शेयर्स की डिलीवरीज उठाई गई है। और अगर 52 वीक हाई देखे तो 31 अगस्त को ही 21 रुपये 40 पैसे का था, जो कि 19.90 पैसे का यहाँ पर 13 अप्रैल 2020 को था। तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पिछले काफ़ी दिनों से तो ये कंटिन्यूसली गिरता ही जा रहा है। तो यहाँ पर हाई बनाया था, और शेयर में प्रमोटर ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और अपर अगर हम पिछले 5 दिन पे देखते हैं तो केवल लोअर सर्किट ही हमें नज़र आता है लगता हुआ। तो इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए विकास मल्टीकॉप लिमिटेड, तो ये एक कंपनी है, इज अ पॉलीमर एंड द पॉलीमर एडिटिव रिलेटेड केमिकल ट्रेडिंग हाउस, दिल्ली दिल्ली बेस इन दिल्ली, हैविंग रिच डोमेन एक्सपीरियंस एंड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल लोकल पॉलीमर मार्केट्स। तो यहाँ पर इस सेगमेंट में, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, पॉलीमर से इन द पॉलीमर में, जो कि एक तरीके का केमिकल्स होता है उसमें ये कंपनी पहली बात तो काम करती है। एज वेल एज कुछ एक तो छोटा शेयर है, तो मैं हमेशा, मैंने भी वीडियो बनाई है और मैंने आपको बताया है कि इस तरीके के शेयर में ज़्यादा पैसा नहीं लगाते, क्योंकि पहली बात तो इसका कुछ ज़्यादा चार्ट पैटर्न भी नहीं है, 2019 से ही देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात ये कि ये जो शेयर है, छोटा शेयर है, तो इसमें केवल पाँच, मैंने भी वीडियो बनाई थी तो मैंने भी आपको बताया था कि केवल 100 रुपये इन्वेस्ट कर देना, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 100 रुपये का ये घाटा भी हो जाता है तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े। अगर देखिए कुछ, बट इस कंपनी से रिलेटेड अगर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो कंपनी है, अभी तक तो केमिकल्स का जो इनका बिजनेस था उसमें थी, पॉलीमर वाले में। बट अभी यहाँ पर आप अगर पढ़ेंगे तो ये Q3 के यहाँ पर रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी ने सिंपल कहा है कि वो फार्मास्यूटिकल एज वेल हेल्थ केयर के बिजनेस में उतरने जा रही है, उसमें एंट्री करने जा रही है। और उसके लिए उसने 35 करोड़ रुपीज़ पहले इन्वेस्ट करना चाहते करने जा रही है। तो मतलब पहले ही 35 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ये फार्मास्यूटिकल एज वेल एज हेल्थ केयर बिजनेस में करने जा रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज, तो यहाँ पर इन प्रिंसिपल अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ एडविक लेबोरेटरी। तो ये एडविक लेबोरेटरी लिमिटेड है, एक कंपनी लेबोरेटरी लिमिटेड है, BSE लिस्टेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसे ये एक्वायर करने जा रही है। उसके लिए उन्हें अप्रूवल मिल गया है। इन प्रिंसिपल अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ एडविक लेबोरेटरी लिमिटेड। तो एडविक लेबोरेटरी लिमिटेड क्या है, तो ये भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि क्या कहते हैं, बहुत ये सोना और हरियाणा हरियाणा में, मतलब सोना में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कह सकते हैं, जहाँ पर ये कंपनी फार्मास्यूटिकल्स बनाती है, जो बहुत डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट, जो एक्सपोर्ट भी करती है। और अगर इसके क्लाइंट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छे बड़े बड़े क्लाइंट हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी लिमिटेड, जो कि आप वेरी वेल नोन है, कैडिला
एज वेल अबॉट इंडिया लिमिटेड जो कि फार्मास्यूटिकल का यहाँ पर जाइंट कहा जाता है, एज वेल एज बात की जाए टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक्सेट्रा, तो बहुत सारे इसके बड़े बड़े जो फार्मा है फार्मा कंपनीज है वो इसकी क्लाइंट कह सकते हैं। देखिए इन द डोमेस्टिक मार्केट हैज़ बीन सप्लाइंग फार्मा प्रोडक्ट्स टू, तो ये यहाँ पर ये इनके क्लाइंट्स हैं। बट यहाँ पर एक बुरी न्यूज़ अगर आप मैं आपको देना चाहूँ तो यहाँ पर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगी कि कंपनी ने बहुत बेहतरीन तो नहीं कहेंगे बहुत घटिया रिजल्ट्स पेश करे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस बार के रिजल्ट्स है ये लास्ट क्वार्टर के, ये उससे पहले साल के रिजल्ट्स है 2019 के। ओके तो यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात की जाए, देखिए मेन जो बिजनेस होता है ना उससे जो रेवेन्यू आता है जिससे वो पैसा इनकम करते हैं वही मेन होता है, अदर इनकम को कभी कंसिडर नहीं करना चाहिए। बट अब यहाँ पर देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो लास्ट ईयर कितना था 4713 लाख इन रुपीज़ है, इसके अलावा इस लास्ट क्वार्टर कितना था 3185, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3185 था, और इस बार कितना है 942.95। तो आप अगर देखेंगे तो ईयरली बेस पर तो बहुत मतलब कह सकते हैं कि लगभग 4 से 5 गुना यहाँ पर 4.5 गुना कम होता हुआ नज़र आया है। ओके 5 गुना कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इनका बिजनेस है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कम होता हुआ नज़र आया है, एज वेल एज क्वार्टरली बेस की बात की जाए तो वो भी कम होता हुआ नज़र आया है। तो यहाँ पर देखिए सितंबर में यहाँ पर इतना रेवेन्यू था और दिसंबर में तो रेवेन्यू ना के बराबर ही कहेंगे। और अगर अदर इनकम की बात की जाए तो अदर इनकम बढ़ती हुई जरूर नज़र आई है, बट जैसे कि मैंने पहले कहा था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंपॉर्टेंट होता है ना कि अदर इनकम, तो अगर फिर भी अगर यहाँ मिलाया जाए तो टोटल इनकम अभी 13-18 है। ओके लास्ट क्वार्टर 3267 थी, उससे पहले 4827 थी, तो क्वार्टरली एज वेल एज एनुअली बेस पे यहाँ पर रेवेन्यू कम होती हुई नज़र आई है। इसके इसके अगेंस्ट में अगर हम बात की जाए एक्सपेंसिस की तो एक्सपेंसिस देखिए यहाँ पर 1318 करोड़ रुपये के यहाँ पर रेवेन्यू है, 1308 करोड़ रुपये तो यहाँ पर केवल इन्होंने एक्सपेंस किया है खर्चा किया है। और अगर बात की जाए यहाँ पर लास्ट क्वार्टर तो 3225 था, उससे पहले लगभग 4670 लाख इन रुपीज़ का यहाँ पर खर्चा इन्होंने किया था लास्ट ईयर के क्वार्टर में दिसंबर में। अगर हम बात की जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 10.27 है। ओके एंड अगर बात की जाए यहाँ पर लास्ट क्वार्टर 41.79 था और अभी लास्ट ईयर की बात की जाए तो 156.63 लाख इन रुपीज़ ऑलवेज। तो अगर बात की जाए यहाँ पर टोटल प्रॉफिट की बात की जाए एनपीएटी की बात की जाए तो यहाँ पर है 6.62, मतलब 6.62 लाख इन रुपीज़ का, मतलब 662,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। लास्ट टाइम 3100,000 का था, उससे पहले लगभग 1,13,00,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया था, जो कि क्वार्टरली एज वेल एनुअली बेस पे ये बिल्कुल कम होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम बात करें अगर आप रिजल्ट्स भी नहीं पढ़ते आप सिंपल यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हो तो आपको एवरेज आपको पता चल जाता है कि कंपनी परफॉर्मेंस कैसा दे रही है। तो क्या देखना है उसके लिए, उसके लिए देखना है अर्निंग पर इक्विटी शेयर। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं बेसिक तो यहाँ पर देख लीजिए लास्ट क्वार्टर 0.29 था जो कि पॉजिटिव था। ओके अगर हम बात की जाए लास्ट क्वार्टर की तो लास्ट क्वार्टर नेगेटिव में था 0.07 और इस बार तो नेगेटिव है 0.21। तो क्वार्टरली एज वेल एज एनुअली बेसिस पे यहाँ पर कंपनी ने बहुत बेकार परफॉर्मेंस किया है और नेगेटिव में इनका ईपीएस चल रहा है। ओके तो बट इसके लिए एक अच्छी खबर यही है कि यहाँ पर कंपनी एक तो फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में उतरने जा रही है, तो शायद आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ मिले इस, और कुछ एक कंपनी को इन्होंने एक्वायर भी किया एज वेल एज यहाँ पर आप देख सकते हैं 93.81% का यहाँ पर नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन होता हुआ सिंपल नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप यहाँ देखेंगे जून 2019 में लगभग 60% की हिस्सेदारी थी, जो कि ओके सितंबर में कितनी थी, सितंबर में 53.50 थी और यहाँ पर लगभग 20% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने ओके इस क्वार्टर के बीच में ओके बेच दिया है और अभी लगभग 33.72 है। अगर FIAs की बात करें तो FIAs ने लगभग 6-7% की हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी है, DIS इसमें है नहीं और पब्लिक के पास लगभग 53.10% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, मतलब पब्लिक इज़ द ऑनर ऑफ दिस कंपनी कह सकते हैं। अगर बात की जाए प्रमोटर्स, देखिए अगर प्रमोटर्स ही अपनी कंपनी के शेयर बेचते हैं तो इसका मतलब साफ होता है कि क्या कहते हैं क्योंकि वो कि कंपनी में कुछ ना कुछ खराबी हो सकती है। एज वेल एज दूसरी बात की जाए तो प्रमोट क्योंकि कंपनी को अच्छी तरीके से जानने वाले कौन होते हैं, प्रमोटर्स, उसके मालिक, अगर उसके मालिक ही निकल जाएंगे तो फिर उस कंपनी पर भरोसा कैसे होगा। एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, तो जैसे कि एक अच्छी न्यूज़ है कि एक एडविक लेबोरेटरीज को वो
खरीदने जा रहे, एक्वायर करने जा रहे हैं, एज वेल एज अगर बात की जाए फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में 35 करोड़ रुपए से आ रहे हैं, तो शायद आने वाले टाइम में ये अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर अगर बात की जाए तो प्रमोट ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ओके, यहाँ लोअर सर्किट और अपर सर्किट में यहाँ काम चल रहा है। तो अगर कोई यहाँ पर टॉप पे फंसा हुआ है, ओके, तो कहना ये चाहता हूँ कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ये करते हैं कि अगर वो किसी हाई लेवल पर किसी शेयर को ले लेते हैं और अगर कोई नीचे यहाँ पर शेयर आता है तो वो क्या करते हैं, वो उसमें और पैसा डालते हैं, और पैसा डाल के क्या होता है कि एवरेज हो जाता है, और वो तब तक एवरेज करते रहते हैं जब तक कि वो उसी प्राइस के इर्द गिर्द ना जाए, और जब उस प्राइस के इर्द गिर्द आ जाता है, ओके, तब वो वहाँ पर या तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकाल लेते हैं, या फिर थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा भी 1 रुपये का ही प्रॉफिट होता है तो उनके मल्टीपल शेयर्स हो जाते हैं, 1 रुपये का प्रॉफिट जैसे ही होता है या 25 पैसे का प्रॉफिट होता है चुपचाप निकल जाते हैं प्रॉफिट लेके, क्योंकि उन्हें पता है उस तरीके की कंपनी में कुछ है नहीं। अगर कोई यहाँ पर फंसा हुआ है या तो वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पर एवरेज कर सकता है, जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पर लगाने पड़ सकते हैं। ओके, जितना नीचे आएगा उतना आपको एवरेज करना होगा, और जिस तरीके से जहाँ पर आपका एवरेज उस वैल्यू पे आ जाए, जैसे अभी 3.75 है और आप एवरेज करते हैं 3.75 पे आ जाता है, और कुछ पर ये फिर अगले दिन अगर 4 रुपये तक का ये शेयर हो जाता है, ओके, तो 25 पैसे का प्रॉफिट लेके चुपचाप निकल जाइए। ओके, ऐसी कंपनी में अभी मत रहिए, या फिर थोड़ा बहुत शेयर अगर किसी ने 500-1000 रुपये लगा रखे हैं तो कोई नहीं, इसे रहने दीजिए। ओके, अगर बढ़ना होगा तो अच्छा खासा बढ़ जाएगा, अदरवाइज 500-1000 रुपये आपके चले जाएंगे। तो शेयर बाजार का यही असूल होता है, इसलिए छोटे शेयर्स में जब हम कहते हैं कि छोटा शेयर्स मतलब जिसकी मार्केट कैपिटल ही माइक्रो कैप हो, तो उसमें ज़्यादा पैसे लगाया नहीं जाता, उसमें केवल 500-1000 रुपये 100 रुपये ही लगाया जाता है, ज़्यादा पैसे लगाया जाता। मैंने भी लगा रखे हैं, मैं भी लॉस में हूँ, बट स्टिल मैंने ज़्यादा पैसे नहीं लगा रखे, मेरे उसके 600-700 रुपये इसमें लगे हुए हैं। ओके, ज़्यादा पोजीशन ऐसे शेयर में नहीं लेते, अच्छे शेयर्स में ही पोजीशन लेते हैं, जो लार्ज कैप कंपनी होती है, TCS, इन्फोसिस, उसमें आप जितना चाहे उतना लगाओ, क्योंकि कल की डेट में कम भी हो जाता है तो फ्यूचर में वो शेयर आगे डेफिनेटली बढ़ेगा। तो इसके अलावा मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है, यहाँ पर श्री राम जी का टेम्पल बन रहा है, आपको पता ही है, अयोध्या में नीचे लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट है उनकी, ओके, उस पर जाएंगे तो यहाँ पर अकाउंट नंबर आप दे रखे हैं, क्लिक करेंगे आप यहाँ पर कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, ओके, अपनी श्रद्धा के अनुसार, और अपनी भागीदारी उस मंदिर को बनाने में दे सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।